पेंशन स्कीम पर सियासत तेज, 2030 से मिलना है लाभ, एनएससीएल में जमा रकम नहीं हो सकी है वापस, 2030 में मिलेगा इस योजना का लाभ, ओल्ड पेंशन स्कीम की राशि देने से केंद्र का इंकार, केंद्र के इंकार के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में फंसा पेंच। जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है उन राज्यों में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर एक ऐसा राजनीतिक दांव चला है जिससे सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ आ जाए, पर लुभाने की इस कोशिश को परवान चढ़ाना इतना आसान नहीं है। इस पेंशन स्कीम को लागू करने में कई दिक्कतें हैं। केंद्र की ओर से वित्त मंत्री सीतारामन ने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत राज्यों को दी जाने वाली राशि के संबंध में हाथ खड़े कर दिया है। ऐसे में इस स्कीम की राशि नहीं मिलने से कांग्रेस केंद्र पर लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री ने इस राशि के लेने के संदर्भ में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और चूंकि अब केंद्र इस राशि को जारी करने से मना कर रहा है तो मुख्यमंत्री ने केंद्र से इसका जवाब मांग लिया है। केंद्र सरकार ने कहा हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन कारण नहीं बताया है क्यों नहीं देंगे। पैसा तो राज्य सरकार का है और राज्य के कर्मचारियों का है, तो पैसा क्यों नहीं लौटाएंगे ये कारण नहीं बताया उन्होंने। एनपीएस की राशि को लेकर जब सवाल केंद्र पर उठ रहे हैं तो जवाब में भाजपा ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर इधर उधर की बातों से मुद्दे को भटकाने का आरोप लगा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो अन्य बातें कही हैं, नियमितीकरण की बात है, पेंशन समय पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी तो भूपेश जी को बात करना चाहिए, उस पर भी तो सार्वजनिक रूप से बयान देना चाहिए, कर्मचारी अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल से बुला करके बातचीत करना चाहिए। हर बात पर सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ना और केंद्र को निशाने पर लेना। भूपेश जी पहले ये तय कर लें कि वो सत्ता पे है या विपक्ष में। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 2022 में पुरानी पेंशन स्कीम लागू तो कर दी गई है और इससे कर्मचारी को मिलने वाला फायदा भी दुगुना दिख रहा है। कर्मचारियों में खुशी की लहर है, पर केंद्र सरकार के इस राशि को जारी करने से इंकार ने कांग्रेस के कर्मचारियों को लुभाने के पैतरे पर फिलहाल अड़ंगा लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूँ मोहन तिवारी। मुद्दा आज का है न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू टेंशन। जी हाँ, ये जो टेंशन है वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो पेंशन की स्कीम है उसकी घोषणा तो हो गई है, लेकिन उसको राशि को लेकर खींचतान ने एक नई टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में कर्मचारी अधिकारियों को इसका कितना लाभ मिलेगा और इस योजना को लागू करने वाली पार्टियां, सरकार जो ये सोचकर इस योजना को ला रही थी कि अधिकारी कर्मचारियों का एक बड़ा समर्थन उसे मिल जाएगा, वो कहीं पेच में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खींचतान कहाँ तक जाएगी? प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, सीतारामन का जवाब भी आ गया है, लेकिन बयानों के तीर अभी भी शांत नहीं हुए हैं और दोनों ओर से जवाब सवाल का दौर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उन मेहमानों का हम पहले स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक जो है कमल वर्मा जी, भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच मौजूद है निश्चय वाजपेयी जी, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे तेज तर्रार युवा प्रवक्ता रवि गौलानी जी। तो तीनों मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं और ये जो ओल्ड पेंशन है जो न्यू टेंशन दे रही है, इस विषय की चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे रवि गौलानी जी की ओर और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने बार बार पत्र व्यवहार क्यों किया। अब जब वो घोषणा हो चुकी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, उसके बावजूद अभी तक संशय क्यों बना हुआ है? रवि जी, क्या सोचते हैं, सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए मोहन जी, जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई तो उस समय हमने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और 1 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक दिवस पर यह कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं और उन्होंने उसके लिए संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए जिसे माननीय राज्यपाल जी ने आर्टिकल 309 के अंतर्गत साइन करके 11 मई को नोटिफाई कर दिया। जब ये सारी चीजें नोटिफाई हो गई तो केंद्र को पत्र लिखा गया और कहा गया कि जो न्यू पेंशन स्कीम जब 2004 में स्विच हुई थी उस समय लगभग 11,800 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने उस फंड में ट्रांसफर किए थे। वह पैसा आज की तारीख में 17,500-18,000 करोड़ करीब हो चुका है, जिसे हमें वापस किया जाए और हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो केंद्र सरकार को जब इतना पैसा उनके जेब से जाता हुआ दिख रहा है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने एक पत्र लिख करके मना कर दिया कि यह पैसा हम आपको वापस नहीं देंगे। केंद्र हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सौतेला व्यवहार जीएसटी के मामले में भी किया है और ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में भी उन्होंने यह सौतेला व्यवहार कर दिया। जब उन्हें समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार हमारे यहाँ के कर्मचारियों के लिए हित देख रही है, तो उन्हें यह लग रहा है कि कहीं अगर इसी तरह का हित रहा और यह अपने चीजों में कामयाब हो गए तो धीरे धीरे वो केंद्र सरकार की ओर भी कांग्रेस पार्टी अग्रसर करेगी और वहां भी उनके ऊपर अटैक करेगी। तो उन्हें डर लगा, तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हम वापस नहीं करेंगे, जबकि हमारी राज्यपाल ने आर्टिकल 309 के अंतर्गत सारे कानून को यहाँ पे मान्यता दी है। तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा हमारे बैठे हुए वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और बीजेपी की सरकार से कि आखिर वह छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ हमारे भारत का अंग नहीं है? कभी वो कोई बयान करके चले जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ महतारी पर बयान करके चले जाते हैं, कभी यहाँ के पैसे पर बात करते हैं, तो हम पैसा आपको नहीं देंगे। वह हर बार हमारी यहाँ की सरकार यहाँ की लगभग 3 करोड़ जनता के साथ। चलिए, विषय पूरी तरीके से आपका आ गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, लेकिन अभी भी स्थितियां वैसी बनी हुई हैं जैसे कि पहले थी। क्या होगा? आरोप लग रहे हैं भाजपा पर, यानी केंद्र सरकार पर, कि उन्होंने उनका पैसा देने से इनकार कर दिया है। निश्चय जी, इस तरीके के आरोप जो है वो कर्मचारियों को भी आपसे दूर करेंगे, और आप लोगों की क्या मजबूरी है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम से आप लोग किनारा किए हुए हैं? देखिए, मैं रवि भाई को याद दिलाऊं कि 2004 में जब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था तो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये स्कीम लाई थी। आप जाके उनसे पूछिए कि ये जो पैसे हैं, जो जिसपे एग्रीमेंट केंद्र सरकार का है कि वो कर्मचारियों को पैसे देगी, रिटायरमेंट पे देगी, एक मुश्त पैसे देगी, वो कर्मचारियों का पैसा भूपेश बघेल जी क्यों चाहते हैं? और इतने बड़े पद पे बैठ करके वो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राज्य सरकार का पैसा है। जो भी इस फंड में पैसा है, ये पैसा कर्मचारियों का पैसा है, और ये जब भी मिलेगा कर्मचारियों को मिलेगा। ये आप एक बात समझिए कि स्कीम लागू है 2004 के बाद, जो 1 नवंबर 2004 के बाद नौकरी में आए हैं उन साथियों के लिए है। 2004 में जो व्यक्ति 25 साल की उम्र में आया होगा, 35 साल की नौकरी करने के बाद वो कब रिटायर होगा? 2040 में। एक बात को समझिए, उस व्यक्ति का रिटायरमेंट आएगा 2040 में। उस समय केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जितने पैसे उसके हैं वो उसको आमदनी के साथ वापस किए जाएं। ये उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारी है केंद्र सरकार के ऊपर। वो भूपेश बघेल जी के बोलने से पैसे क्यों दे देगी भाई? और भूपेश बघेल जी 2040 में जिसको पैसा देना, उसको अभी पैसा लेकर के करना क्या चाह रहे हैं, उसको हर कर्मचारी भी समझ रहा है। आपके पैसे भूपेश बघेल जी जो मांग रहे हैं, जो आपको 2040 में मिलना है, उसके साथ वो आज क्या करेंगे? क्योंकि इनकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी इससे इनको मतलब नहीं है। सड़कें जो बन रही हैं यहाँ पे विकास के नाम पे, ना उसमें गिट्टी है, ना उसमें डामर है, और उसमें केवल धूल है। और पूरे पैसे जो है जिस तरीके से विकास के नाम पे साइफन किए जा रहे हैं, इसलिए ये कर्मचारियों के पैसे मांग रहे हैं और ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। केंद्र सरकार पूरी जवाबदारी के साथ जो उसके वैधानिक और कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए वो पैसे कर्मचारियों को देगी ये बोल रही है। जिसका जब ड्यू होगा उसको पैसा मिलेगा। और ये मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो फंड है इसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है और राज्य सरकार कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही, कर्मचारी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो पैसा उन्होंने दिया था, जो उनकी उस समय दायित्व था, राज्य सरकार का जो दायित्व था, उसके लिए उन्होंने एक मुश्त जो रकम दी थी और दे करके अपना पीछा छुड़ाया था। अभी आप ये समझिए कि आपने अगर आपने पेंशन देने की बात कही है तो आप पैसे की व्यवस्था स्वयं क्यों नहीं करते? क्या दूसरों के भरोसे आप हमेशा वादा करेंगे क्या? आपको पैसे की व्यवस्था करना चाहिए, राज्य सरकार को पैसे की व्यवस्था करना चाहिए, और कर्मचारियों से आपने वादा किया है उसको आपको पैसा देना चाहिए। चलिए, कर्मचारी क्या सोचते हैं इस संबंध में जान लेते हैं। कमल वर्मा जी हमारे बीच हैं, संयोजक हैं अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के। हम देख रहे हैं कमल जी, आप लोग तो बहुत खुश हुए थे जब ये घोषणा हुई थी, स्वागत भी हुआ था इस फैसले का, लेकिन अभी ये सियासत में फंसा हुआ फैसला नज़र आ रहा है। क्या इसकी अभी ज़रूरत है? क्या इस तरीके के जो पत्र व्यवहार हो रहे हैं ये क्या कितने सही हैं? आप लोग का क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर चुके हैं और हमने लगातार जो है ये जो नवीन पेंशन जो अंशदायी योजना है इसका हमने पुरजोर विरोध किया है। जिस समय इस योजना को लाया गया था उस समय प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों को चाहे देश भर के कर्मचारियों अधिकारियों को इसके संबंध में जो सही जो जानकारी है वो नहीं दिया गया। काफ़ी लुभावने उसमें जो है ऐसे चीज़ उसमें बताया गया था कि ये कर्मचारी हित में ऐसा होगा, कर्मचारियों को इतना करोड़ रुपए मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। जब इस योजना को लागू किया गया तो पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। आज जब जो हम देखते हैं कुछ कर्मचारी जो है अभी कुछ साल पहले जो है जो रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको जो पेंशन 2500 3,000 पेंशन मिल रहा है। तो इस योजना का विरोध जो है पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में अभी विरोध चल ही रहा है। जब हमने छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन किया उस समय हमने कहा कि आपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हमने प्रदेश में प्रदर्शन किया और विधानसभा सत्र के पहले हमने इंद्रावती भवन में एक जंगी प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना पड़ा, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना पड़ा और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों और अधिकारियों में काफ़ी हर्ष व्याप्त है। सभी चाहते थे कि पुरानी पेंशन योजना बहाल हो। अब रही बात जो लगातार जो पत्राचार की बात कर रहे हैं आप जो है, और हम लोग भी वित्त विभाग के मैं स्वयं अधिकारी हूँ, हम लोग देख रहे हैं लगातार यह जो योजना जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में उलझ कर रह गया है। जो हमारा सरकार के कहना है कि 17,000 करोड़ रुपए जो है एक PFRDA एक एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके पास में फंसा हुआ है। अब यदि हम पत्राचार करते हैं PFRDA को, PFRDA तो एक एजेंसी है, उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वित्त विभाग के द्वारा बनाया हुआ एक संस्था है, उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो अब रही बात इसका समाधान कैसे होगा। ये लोकसभा से एक्ट बनाया गया है, लोकसभा में उसको ले जाना पड़ेगा कैबिनेट के माध्यम से केंद्र सरकार को। तो इस टाइप की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया को निश्चित रूप में यदि छत्तीसगढ़ सरकार चाह रही है कि इनका जो 17,000 करोड़ वहाँ पे फंसा हुआ है वो पैसा हमें मिले और वो पैसा जो है कैसे राज्य सरकार को प्राप्त हो, इसके संबंध में राज्य सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी जो है आपस में बैठकर, ये पत्राचार जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर नहीं, आपस में बैठकर इसका कोई रास्ता निकाले। ऐसा जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं दोनों सरकार को जो है अनुरोध करता हूं। लेकिन कमल जी एक सवाल बार बार उठता है कि जब ये योजना अभी से लागू की गई यानी 22 में, तो 22 से आगे वालों को इसका लाभ मिलना चाहिए, पुराने वालों पर भी ये व्यवस्था यानी जो नई स्कीम है वो खत्म हो जाए और उनके रिटायरमेंट से मिले, ये मांग क्यों हो रही है बार बार? यानी 2004 वालों पर ये क्यों थोपा जा रहा है कि ये नई स्कीम को ख़त्म करके पुरानी स्कीम से उनको भुगतान हो, जबकि व्यवस्थाएं तो वैसे पैसे कटने की और जो नियम कानून हैं उसके हिसाब से बने हैं पुराने स्कीम के हिसाब से। एक्चुअल में क्या है कि जो 1/11/2004 में जो कर्मचारी जो है राज्य सरकार में जो ज्वाइन किए हैं और अभी जो दिसंबर 2022 तक लगभग 5,000 जो अधिकारी कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब उसमें से कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है, तो ऐसे प्रकरणों का निराकरण कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या अभी सरकार के सामने यही है। और हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जो अभी लगभग 4,500 5,000 जो अभी पेंशन के लिए जो है राज्य सरकार के ऊपर में निगाह लगाए बैठे हुए हैं, कभी जो है केंद्र सरकार के ऊपर में, तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसे प्रकरणों का समाधान कैसे होगा। बिल्कुल, चलिए अब सवाल रवि जी से, क्योंकि लगातार ये बात भी उठ रही है कि अभी जब भुगतान करना नहीं है तो राज्य सरकार बार बार ये पैसा अभी से मांग क्यों रही है? आप लोग के द्वारा पत्र व्यवहार के पीछे कहीं ये मकसद तो नहीं है कि कर्मचारियों को एक मैसेज दिया जाए कि केंद्र उनके साथ नहीं है, केंद्र उनके खिलाफ है और राज्य सरकार यानी कांग्रेस की सरकार उनके साथ खड़ी है? क्या ये पॉलिटिकल स्टैंड है? देखिए मोहन जी, यह पॉलिटिकल स्टैंड बिल्कुल भी नहीं है। आपको नियम की टेक्निकलिटी समझना पड़ेगा। जब 2004 में लगभग 12,000 करोड़ हमारी सरकार का जो उसमें फंड में था वो एनपीएस के बोल करके ले लिया गया, वहां उन्होंने उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, जो आज की तारीख में 17,500 करोड़ है। अगर आप राज्य सरकार का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें पॉइंट नंबर 4 क्लियर कहता है कि इसके लिए एक सेपरेट डायरेक्टरेट रहेगा, इसके लिए एक सेपरेट फंड डिविजन रहेगा जो इस पैसे को मैनेज करेगा। जब सरकार ने यह कह दिया कि 2004 से हम उसको लागू करेंगे, तो 2004 से लेकर के 2022 तक का जो पैसा है उसकी लायबिलिटी भी राज्य सरकार ने ले ली है। आपको यह समझना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है। पहली बात, जब वो लायबिलिटी अगर राज्य सरकार ने ले ली है, तो जब तक के उस पर आया हुआ पैसा भी वहां पर नहीं आएगा, तो राज्य सरकार अपनी उस लायबिलिटी को कैसे पूरा कर पाएगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो वाजपेयी जी कह रहे थे कि यह स्कीम मनमोहन सिंह जी ने लाई है, सर आंकड़े उठा लीजिए, कागज उठा लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्कीम यह लागू की हुई है। तीसरी बात। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि आपकी बातों से मुझे यह समझ में आ रहा है कि आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में नहीं है। आप लोग चाहते ही नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जो 2004 से यहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं, जैसा आपके सामने स्टूडियो में बैठे कर्मचारी नेता भी कह रहे हैं कि इसकी डिमांड, इसकी चीज हम बहुत समय से कर रहे थे। जब तक ये क्लियर बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, शासकीय वर्ग के लोग हैं, उनका दोहन करती आई है, सिर्फ उनसे काम लेती आई है। लेकिन जब उन्हें अधिकार मिले, पेंशन क्यों ली जाती है? जब आप 58-60 साल की उम्र में पहुंचते हैं, जब आपकी शरीर काम करना कम कर देता है, आपकी बुद्धि पहले से कामने में बहुत कम हो जाती है, तो सरकार कहती है कि आप रिटायरमेंट का पैसा लीजिए और आप पेंशन से अपनी जीविका चलाइए। तो जीविका भी एक अच्छे से चलनी चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी उसको समझना ही नहीं चाह रही है। बिल्कुल। चलिए निश्चय जी शायद स्पष्ट करेंगे। निश्चय जी ये बात भी सही है कि अगर कोई परिवर्तन नियम में करके कर्मचारियों को फायदा पहुँचाना चाहता है कोई राज्य, और गिने चुने राज्य हैं, ज़्यादातर जगहों पे तो भाजपा का ही शासन है, ऐसे में जो राज्य करना चाहता है उन्हें मदद करने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए आपने बहुत पते की बात पूछी थी, जिसका कि उन्होंने जवाब नहीं दिया कि जब आपको अभी देना ही नहीं है किसी को आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आप पैसे अभी मांग क्यों रहे हैं? कर्मचारियों के हिस्से के पैसे केंद्र सरकार से मांग क्यों रहे हैं? इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए मूल विषय ये है कि ये कर्मचारियों का पैसा जब से ये लागू हुआ है, आदरणीय पूर्व बहुत सुलझे हुए अर्थशास्त्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी का, मैं रवि भाई को ये चीज़ बताना चाहता हूं कि वो उस समय प्रधानमंत्री थे जब आदरणीय भूपेश बघेल जी आज 2022 में आके निर्णय ले रहे हैं कि हम उसको बदल देंगे, तो वो जब प्रधानमंत्री थे तो नहीं बदलते थे क्या? देखिए आप एक चीज़ को समझिए, केंद्र सरकार की एक वैधानिक जिम्मेदारी है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर के इस तरीके से कोई भी मुख्यमंत्री अपने यहाँ कुछ निकाल दे और उसमें चेंज चाहे तो आप ऐसा माना जाएगा कि आपने अपने संसाधन स्वयं बनाए हैं, आप कर्मचारियों का बेनिफिट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कोई फंड बनाएंगे, कोई आर्थिक व्यवस्था करेंगे और उससे आप उनको वो लाभ देंगे। आप तो कर्मचारियों का जो पैसा है उसको मांग करके, जो कि अभी देना नहीं है वो पैसा, और मैं तो पूछता हूँ, बैठे हैं कमल भाई साहब बैठे हैं, क्या कर्मचारी उस पैसे को जो उन्होंने जमा किया है अभी तक से, और जिसमें एक बड़ी रकम आती है, देखिए और नेशनल पेंशन फंड के अंदर ये पेंशन की जो लाभ हैं वो किसानों को भी अब उपलब्ध हो रहे हैं, उसके अलावा आम आदमी को उपलब्ध, कोई भी व्यक्ति वो पैसे जमा करके अपने लिए भविष्य सुरक्षित कर सकता है बुढ़ापे के लिए। क्या वो अपने पैसे भूपेश बघेल जी की सरकार को देने को तैयार हैं क्या? पहले तो ये पूछ लें भूपेश बघेल जी कर्मचारियों से कि वो पैसे एक मुश्त जो इनको अभी देना नहीं है और जो आपको कभी 2030, 2040, 2035 में मिलना है, वो पैसे आप देने को तैयार हैं क्या? जी कर्मचारी संगठन इस बारे में शायद स्पष्ट करेगा, बताएगा। ये बात बार बार आ रही है कमल जी की, कर्मचारियों का क्योंकि पैसा है तो कर्मचारी ये तय करे कि वो अभी क्या करना चाहते हैं। आप लोगों की मंशा जरूर थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, लागू हो रही है, पर अभी वो उस पैसे का क्या उपयोग हो, क्या चाहते हैं आप? प्रतिनिधि हैं जो कर्मचारियों के, कर्मचारी क्या चाहता है? देखिए कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा इसके संबंध में बहुत ज्ञान नहीं रहता है ना, कि योजना जो है किस तरह बनती है और योजना जो है कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये तो अभी सब पता चल रहा है कि एक एनएसडीएल कंपनी है, वहाँ पर जो है दोनों सरकार का जो अंशदान है, चाहे राज्य सरकार का अंशदान हो और कर्मचारी का, दोनों का जो अंशदान है 10-10% जो है वो जमा होता था एनएसडीएल में। एनएसडीएल के माध्यम से जो एक्सिस बैंक है, ट्रस्ट एक ट्रस्टी है, उसके माध्यम से पूरा जो है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है, ये तो सब अभी पता चल रहा है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो पैसा हमारा जो जमा है, मतलब कर्मचारियों का पैसा, आखिर हम लोग तो सरकार के ही अंग है ना, हमारा जो भी पैसा वेतन भुगतान भी होता है तो सरकार जो है अपने खजाने से ही हमको वेतन भुगतान करती है, तो जो पैसा जो है वो कर्मचारियों का नहीं है, वो सरकार का पैसा है। ये मतलब सरकार के माध्यम से हमको वो पैसा मिलता है। हम ये चाहते हैं कि जो भी जितना भी पैसा है, अब टेक्निकली जो है सारे चीज़ों के बारे में जानकारी तो जो अपने मंत्रालय में बैठे जो है उच्च पदस्थ अधिकारी ही इसके बारे में जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो पैसा वहाँ जमा हुआ है और जो अभी वर्तमान में जो है लगभग 4,500-5,000 अधिकारी कर्मचारी जो है सेवानिवृत्त और जिनकी मृत्यु हो गई है उन लोगों का पेंशन का निराकरण कैसे होगा दिसंबर 2022 तक। हमको, हमारे प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों को यही चिंता है कि इस संबंध में इसका समाधान कैसे होगा। तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि चूंकि हम एक कर्मचारी नेता है, तो जैसे हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने ये योजना जो बनाई है ना, जो 1/11/2004 से जो है इसको सरकार ने लागू की है, तो जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है ना, तो उस समय भी इतना बड़ा संवैधानिक जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, और ये बोलते थे कि नहीं, ये समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। उसके बाद में भी समस्या का समाधान हुआ। तो मैं चाहता हूँ कोई हल निकालें। जी बिल्कुल, जी जी जी, छोटी सी बात, जी जी, बोलिए बोलिए। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि कमल भैया, आप ये समझ लीजिए कि वो पैसे आपको मिलने हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकते। कर्मचारी के पैसे हैं, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकते। राज्य सरकार ने आपने जो मांग रखी थी कि भैया ये पैसा ले लेना, हमको हमारे पैसे से पेंशन दे देना, ऐसा भी विषय नहीं था। राज्य सरकार ने भी घोषणा पत्र में लेते समय ये तो नहीं कहा था कि हम वहाँ से पैसा लेके आएंगे, उसके बाद आपको देंगे पेंशन। मेरा आपसे एक आग्रह है, आप पूरी जिम्मेदारी से क्या इस बात को बोल सकते हैं कि जो पेंशन आपको या जो पैसा आपको उस फंड से 2040 में मिलना है, जिसमें कि वो आपके पैसे किसी दूसरे को नहीं मिल सकता, किसी राज्य सरकार को नहीं मिल सकता, वो पैसा केवल आपको मिल सकता है, क्या आप वो राज्य सरकार को देने को तैयार हैं? आपके पूरे कर्मचारी अधिकारी इसके लिए सहमत हैं क्या? एक बार पूछ लीजिए, एक सलाह कर लीजिए। राज्य का भी तो अंशदान है 10%। नहीं, लेकिन वो जो कर्मचारियों के प्रति उनका दायित्व है, जिम्मेदारी उसके एवज में है, वो ऐसा कोई वॉलंटरी नहीं है, वो उनका दायित्व है। वो पैसे कर्मचारियों के हैं, जो तनख्वाह देती है वो भी सरकार देती है, मगर वो अधिकारियों का हक है, कर्मचारियों का हक है। भाजपा का जो दावा है, क्या कहेंगे? मैं कमल भैया की बात से सहमत हूं कि जब एक कर्मचारी की बात की जाती है तो वो टेक्निकलिटीज नहीं समझता। एनएसडीएल का पैसा, जैसा वो कह रहे थे, एक्सिस बैंक में जाता है। ऐसे 9 फंड मैनेजर्स हैं, स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, और भी हैं, जहां से ये पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट होता है। ये टेक्निकलिटीज ये नहीं समझते। लेकिन निश्चय वाजपेयी जी वहां बैठे हैं, उनके लिए एक बात मैं कहूंगा कि जब आपको प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो आप जो है वो कर्मचारी नेता पर डाल दें और उनसे पूछिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सहमत हैं कि नहीं है? आप स्पष्ट हाँ नहीं, इनका कहना नियम की बात देता है। 2040 की बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सुनिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो वो सरकार के पास ही जाता है कि भैया मुझे पेंशन। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बताइए, आप ये बताइए, आप आती है तो राज्य सरकार, आपने अपना घोषणा पत्र तय किया और उस घोषणा पत्र में आपने कहा कि भैया हम ये वाली पेंशन स्कीम चालू लागू करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम। अपनी बातें आप किसी कर्मचारी नेता के ऊपर इस तरह से नहीं डालिए जिसका जवाब आपके पास नहीं है। बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि आपने जो घोषणा पत्र लागू किया है, जिसका कि आपके ऊपर में निश्चित तौर पे आपको भी समझता है कि इसमें पैसे देने पड़ेंगे, पैसे की कोई व्यवस्था आपने बनाई क्या? आपने किसी से समझा क्या? अब आप आज की तारीख में लागू कर रहे हैं, आप चिट्ठी लिखना चालू कर रहे हैं, बेतुक पैसा दे दो। सुनिए सुनिए, पूरी बात होने दीजिए, मेरी बात को होने दीजिए। आप ये जो कर्मचारी, मैंने कमल भाई से एक ही बात पूछी, मैंने पूछा है कि आपके क्या सारे अधिकारी कर्मचारी इस बात के लिए तैयार हैं कि उनके जो हिस्से का, जो दूसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकता, वो पैसे वो क्या भूपेश सरकार को देने को तैयार है? क्या इस पर लेकर कोई चर्चा हुई क्या? कर लीजिए एक बार पहले। और मैं एक बात कहूँ, आप अपने पैसे लेके आइए और किसी को भी दीजिए, किसको क्या इनकार है ना? आपके पैसे हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी मांगेगा तो आपके हिस्से के पैसे तो हम नहीं दे सकते, कर्मचारी के हिस्से के पैसे कोई भी आदमी किसी सरकार को नहीं देगा, क्योंकि दूसरा आदमी कैसे कह सकते हैं? क्या राज्य सरकार कोई दूसरी है? कल 15 साल आपका शासन था, तब क्या राज्य सरकार दूसरी थी? गारंटी ले इस तरह की बात। पहली चीज तो कोई दूसरा व्यक्ति पैसा नहीं मांग रहा है। मोहन जी, केवल आप राजनीतिक लाभ चाहते हैं, आप केवल राजनीतिक लाभ चाहते हैं, आप केवल घोषणा करना चाहते हैं, आप उसको लागू नहीं करना चाहते। जैसे आपने शराबबंदी को लागू नहीं किया है, आप केवल घोषणा करके लोगों की सहानुभूति चाहते हैं, और जब पैसा की व्यवस्था करने की बारी आई तो आपका कहना है कि कर्मचारियों का जवाब ले लेते हैं। रवि जी कुछ बोलना चाह रहे, बताइए, जल्दी सवाल उठाया उन्होंने। देखिए मोहन जी, जब जब भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने एक एक वादे पूरे करती जा रही है, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी बात करें। मैं यही कहना चाहूंगा, आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िए जो राज्य सरकार ने इश्यू किया है, भारत के संविधान के अंतर्गत इश्यू किया है, जिसमें यह सारे पैसे कैसे फंड में जाएंगे, कहां जाएंगे, उसका पूरी चीजों का जिक्र उस नोटिफिकेशन पे है। और जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, अपना अधिकार मांगा है और कर्मचारियों का अधिकार मांगा है। हमारी सरकार कर्मचारियों के साथ पहले भी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे और वह काम हम किए हैं। इस पर केंद्र सरकार कितने भी रोड़े लाए, हम इसको लागू करवा के रहेंगे। चलिए, ये तकरार तो चलती रहेगी, लेकिन रास्ता क्या है? एक एक बार तीनों प्रवक्ताओं को मैं मौका दूंगा, समय की कमी भी है तो, लेकिन रास्ता क्या बचता है? सबसे पहले हम कमल वर्मा जी की ओर रुक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ऐसे में स्थितियां जैसी बन रही है, खींचतान में कहीं ये घोषणा ना फंस जाए। आपको क्या लगता है, कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि हल भी निकले और कर्मचारियों को फायदा भी हो? कमल जी, नहीं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जब से सरकार ने जो है घोषणा की है, उसके बाद से निरंतर जो है ये कैसे इम्प्लीमेंट हो प्रदेश में, इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया पहल हो रहा है। और 1/4/2022 से जो सरकार का जो अंशदान है और जो कर्मचारियों का अंशदान जो है जमा होता था, इसमें काफ़ी कुछ संशोधन हो चुका है। अब सरकार का अंशदान अब जमा नहीं हो रहा है, कर्मचारियों का जो जीपीएफ का जैसा जो नियम है उसके हिसाब से कटौती हो रहे हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं तो दिसंबर 2022 तक की बात किया हूँ, इसके बाद भी हर साल जो है लोग रिटायर होते जाएंगे तो उनके जो पेंशन प्रकरण का समाधान कैसे होगा, उनको ग्रेजुएटी का लाभ कैसे मिलेगा? कानूनी रास्ता यही है, कुछ नहीं है इसमें। यदि इच्छा शक्ति के ऊपर है, यदि केंद्र सरकार यदि इसमें चाहती निर्णय ले लेती है, यदि क्या है आपके पास, क्या बचता है? केवल पत्र लिखकर इतिश्री कर लेंगे या कोई और रास्ता भी अख्तियार करेंगे जिससे कर्मचारियों को लाभ मिल सके? हमारे पास जो रास्ते हैं, हम हर रास्ते को अपनाएंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाने की, न्याय मांगने की, तो हमारी सरकार कोर्ट भी जाएगी। और जो केंद्र सरकार को हम पत्र लिख रहे हैं, हम अपनी बातें वहां तक भी रखेंगे। हम कर्मचारियों के साथ थे, हैं, रहेंगे। उनका अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार उनको दिला करके रहेगी। बिल्कुल वाजपेयी जी, लेकिन आप लोग के लिए चुनौती ये है कि हर चुनाव में अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा, गुजरात में भी हम देख रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी भी ये घोषणा कर रही है। ऐसे में कर्मचारी तो मूव हो रहा है इस घोषणा के साथ, तो आप लोग के लिए तो चुनौती है। देखिए, ये तो बहुत अच्छा किया भूपेश बघेल जी ने जो पैसा मांग दिया, उनकी नीयत खुल गई कि वो वास्तव में कर्मचारियों को पैसा देना नहीं चाहते, वो उनका पैसा लेना चाहते हैं। और वो केवल एक इस तरीके से मन लुभावन टाइप के वादा करके कर्मचारियों का फेवर लेना चाहते हैं। कमल जी ने जैसे बताया कि अभी अभी का कंट्रीब्यूशन केवल कर्मचारी करते हैं और उनके पैसे से वो फंड बना, वो पैसे कर्मचारी क्यों देगा? राज्य सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहूं, ये मन लुभावन जो वादे करके भाग जाने और तब तक सत्ता में बैठ करके और जिस कदर का भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, जो ये करना चाहते हैं, इनकी नीयत को पहचानने की जरूरत है। ये कर्मचारियों के हितैषी नहीं है, कर्मचारियों को पैसे लूटना चाहते हैं। जल्द से जल्द खत्म हो, कर्मचारी भी टेंशन फ्री रहें, राजनीतिक दल भी इस टेंशन से मुक्ति पाएं, यही हम चाहते हैं। इस चर्चा में काफी कुछ बातें सामने आई हैं, लेकिन सार्थक पहल की जरूरत अभी भी बनी हुई है। तो इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इसी मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे तो और विस्तार से बातचीत होगी। उन मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। सबका धन्यवाद। देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।